हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आप लोगों की दिवाली कैसी गुजरी बताइएगा ज़रूर। और ये है अगले दिन गोवर्धन का पूजा का दिन, और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने लगा ली थी मशीन, और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ किचन साफ़ कर रही थी, तो ये सुबह के बर्तन हैं सारे जो कि मुझे साफ़ करने थे। और मॉर्निंग में सबने नाश्ता पानी कर लिया था, तो उसके बाद मैं कर रही थी रसोई की साफ़ सफाई। पहले बर्तन कर लूँगी, उसके बाद मैं करूँगी सफाई। और त्योहारों पे इतना काम फैल जाता है और कपड़े भी इतने सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मशीन भी साथ साथ चलती रहेगी। वैसे तो मशीन का काम मम्मी देखती है, मम्मी ही लगा लेती है मशीन और वो ही कर लेती हैं सब, और मेरा काम किचन का होता है। तो मैं देख रही थी किचन का, हालांकि रात को सारा साफ़ सफाई करके सोई थी और रोज़ ही करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी मॉर्निंग में इतने सारे काम हो जाते हैं, इतनी फैल जाती है किचन। और बीच बीच में बच्चों की, क्योंकि क्लासेस भी चलती रहती है, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन बीच बीच में क्लासेस चलती रहती हैं तो मुझे काम छोड़ छोड़ के फिर उसकी क्लास में भी उसके साथ बैठना पड़ता है, छोटे वाले बेटे के साथ में, क्योंकि वो शैतान है, अकेले नहीं बैठता क्लास में, शैतानी करते रहते हैं बच्चे। तो यहाँ मेरी बेटी आ गई अपने कुकीज़ लेने के लिए जो दिवाली पर आए थे, नानू के यहाँ से मिले थे उसको, तो वो लेने के लिए आई थी। तो उसने पैकेट खोल दिया, तो फिर मैंने सोचा कि इनको मैं किसी प्लास्टिक के कंटेनर में ही ट्रांसफ़र कर देती हूँ और इस डब्बे को मैं फेंक दूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे उसी के लिए एक डब्बा ढूँढ रही थी, तो ये चॉकलेट कुकीज़ हैं। और आजकल तो दिवाली पे सब लोग मिठाई कम ही प्रेफर करते हैं देना लेना, तो यही बिस्किट वगैरह ज़्यादा चलते हैं, बिस्किट, नमकीन और जूसेस वगैरह। तो मैं उसी के लिए कंटेनर ढूंढ रही थी, मैं सोच रही थी कि इसको किसी प्लास्टिक के कंटेनर में ही ट्रांसफ़र कर दूं। तो मैंने एक कंटेनर खाली कर लिया ये, और मैं इसी में रख दूंगी इनको, जिससे कि फिर ये रखने में भी इजी रहेगा और ढूंढने में भी इजीली मिल जाएगा। तो साथ ही साथ सफाई भी करते जा रही थी मैं। अब मुझे सामने दिख गया कंटेनर रखते समय कि वहाँ थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो वो भी साफ़ कर दिया। साथ ही साथ में मैं यहाँ कुकर में चढ़ा दूँगी, मैंने राजमा और दाल भिगोई थी उड़द की, तो मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी, क्योंकि हमारे यहाँ गोवर्धन पे चावल से पूजा होती है, मतलब चावल, और साथ में आप या तो दाल बना लो या राजमा बना लो, छोले बना लो, कुछ भी बना लो, बस चावल ज़रूर होने चाहिए। तो मैं यहाँ राजमा और दाल को रख दूँगी बॉयल होने के लिए, थोड़ा सा पानी नमक डालकर, और उसके बाद में मैं इसको लगाऊँगी छौंक। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी यहाँ पर, और उससे पहले मैं कर लूँगी गैस की साफ़ सफाई, और उसके बाद ही कुकर चढ़ाऊँगी इस पर, क्योंकि 2-3 दिन से त्योहारों की वजह से बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही थी, तो किचन की इतनी डीप क्लीनिंग हो नहीं पा रही थी, बस जल्दी जल्दी में ही काम चल रहा था सब। तो इसको मैं अच्छे से स्कॉच ब्राइट की हेल्प से इसको, और विम की हेल्प से मैं इसको रगड़ लूँगी, और फिर इस पे मार दूंगी मैं गीला कपड़ा और उसके बाद एक सूखा कपड़ा, और साथ में मैं चिमनी भी साफ़ कर लूँगी साथ में ही। तो जब मैं किचन साफ़ करती हूँ डेली, तो मैं चिमनी भी उसके साथ ही साफ़ कर लेती हूँ, और ये मेरा डेली का रूटीन है।
और जो खिड़कियां हैं वो भी साथ के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। और साफ़ करने के बाद में गैस और उसमें पे मैंने चढ़ा दिया है कुकर, और साथ में मैंने बर्तन धो लिए हैं सारे। तो मैं बर्तन धो के टोकरे में रख देती हूँ, और उसके बाद में इसको स्टूल पे अलग रख देती हूँ, जिससे कि इसका पानी वानी सब निचड़ जाए। और फिर इन बर्तनों को हम लगा देते हैं। और उसके बाद में मैं कर लूँगी स्लेब की सफाई। तो ये एक मेरा छोटा सा वाइपर है किचन के लिए, ये मैंने अपने पास रखती हूँ। तो इससे बहुत इजीली स्लेब की सफाई हो जाती है, बहुत जल्दी पानी साफ हो जाता है इससे। और उसके साथ ही सबसे लास्ट में मैं कर लेती हूँ टैब को भी साफ कर लेती हूँ साबुन से, और अपनी सिंक को भी साथ के साथ ही साबुन से साफ कर लेती हूँ सबसे एंड में। तो इस तरह से हो जाती है मेरे किचन की पूरी क्लीनिंग। तो यहाँ हो गया था मेरा किचन पूरा क्लीन। और उसके बाद में मैं बनाऊंगी दाल मखनी। तो यहाँ पे मेरी दाल उबल चुकी है, आप देख सकते हो, और इसमें मैंने राजमा भी ऐड किया है थोड़ा सा। और मैंने टमाटर की प्यूरी तो बना ली थी क्योंकि लाइट आ रही थी, और जब मैं प्याज पीसने के लिए चली तो लाइट चली गई, इसलिए मुझे वो जो मैन्युअली ब्लेंडर है मेरा, जो मैंने अभी मंगाया था बाउल शेप में जो था, उससे मैंने वो प्याज को चॉप किया, बहुत इजीली चॉप हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने ले ली कढ़ाई और उसमें डाल दिया था ऑयल। आप चाहें तो मक्खन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये अभी रिफाइंड में बनाया है आज। इसके बाद में मैं इसमें डाल दूंगी हींग और जीरा, और इसको अच्छे से भुनने देंगे। तो जब जीरा और हींग भुन जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी चॉप प्याज। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही बारीक प्याज चॉप हो गई थी बहुत इजीली, और बहुत अच्छा मैनुअल ब्लेंडर है ये, चॉपिंग ब्लेंडर है, बहुत ही फाइन चॉप हो जाती है इससे प्याज टमाटर वगैरह कुछ भी। तो ये मैंने उसी में चॉप की थी। तो इस प्याज को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे, इसको ब्राउन कर लेंगे हम। तो देखिए कलर चेंज हो गया है प्याज का, इसको चलाते रहेंगे और बिल्कुल ब्राउन हमें इसको कर लेना है, अच्छे से भून लेना है। और इसमें मैं इसी टाइम पे डाल दूंगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया, और इसके बाद में मैं इसमें डाल दूंगी टमाटरों की प्यूरी, और इसको खूब अच्छे से हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और भुनने देंगे टमाटर को।
तो हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि ये मसाला घी ना छोड़ दे। तो इसको खूब अच्छे से हम चलाते रहेंगे। इसमें मैं डाल दूंगी इस टाइम थोड़ी सी हल्दी। और थोड़ा सा धनिया पाउडर यहाँ पे डाल दूंगी मैं। इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए घी छोड़ दिया है अब मसाले ने, तो आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से मैंने चला लिया है। और इसी में मैं डाल दूंगी दाल और राजमा जो मैंने बॉईल किया था, और खूब अच्छे से इसको चला लेंगे। और फिर दोबारा से इसमें बॉईल आने तक इसको पकाएंगे हम। और अगर आपको ये दाल थोड़ी गाढ़ी लगे तो आप इसमें इसी टाइम पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चावल के साथ में तो थोड़ी तरी वाली ही अच्छी लगती है दाल। तो इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। और इसी टाइम पे आप इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने यहाँ पे क्रीम की जगह पे मलाई ऐड करी है। तो मैंने फ्रेश मलाई ले ली है, ये 2 से 3 चम्मच, और इसको इसमें मैं इस टाइम डाल दूँगी। और आप देखेंगे कि मलाई डालते ही ना एकदम इसका कलर ऐसा जैसे बाज़ार की दाल मखनी होती है, शाही पनीर होता है, उस जैसा हो जाएगा। और बहुत ही टेस्टी भी लगती है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है इसका। इसको चला लेंगे काफ़ी अच्छे से। मैंने जो ये दाने थे राजमा के, वो मैंने थोड़े थोड़े इसमें मैश कर दिए थे, जिससे कि ये थोड़ी घुटी घुटी सी हो जाए और पानी के साथ अच्छे से मैश हो जाए, मिल जाए, तो वही अच्छी लगती है। फिर नहीं तो पानी अलग और सब्जी अलग, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो इसमें काफ़ी देर तक मैंने इसको पकाया, और उसमें मैंने फिर डाल दी ऊपर से कसूरी मेथी। तो इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। तो ये हो गई बनके तैयार हमारी दाल मखनी। तो आप भी आ जाइए, टेस्ट कर लीजिए। तो उसके बाद में यहाँ मम्मी बना रही थी नहाने धोने के बाद में गोवर्धन, और हमारे यहाँ इस तरह से बनाया जाता है गोबर से। तो हम जब कल गाँव गए थे दिवाली पे, तो वहाँ से हम थोड़ा सा गोबर ले आए थे, तो एक गाय का गोबर, और उसी से हम ये बनाते हैं। और मम्मी इसको सजा रही थी आटे से और हल्दी से। तो यहाँ जो हमने बनाए थे चावल और दाल मखनी, तो वो मम्मी ने इनको भोग लगा दिया। और ये जल का लोटा मम्मी यहाँ रख देंगी ऊपर। तो रात को जो है इसी यहीं से पूजा करेंगे, इसी लोटे के साथ में, जल के साथ में पूजा करेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके बाद करते हैं शाम की तैयारी।
तो शाम को हमारे यहाँ गोवर्धन जब पूजता है तो उसमें बनते हैं पूड़े, गुड़ के पूड़े और कचौरी आलू की, यही सब बनता है। तो मैं उसी सब की तैयारी कर रही थी, गुड़ भिगो दिया था मैंने और उसके बाद में मैंने उसका पेस्ट बना लिया घोल। और यहाँ मैं उतार रही थी पूड़े, क्योंकि पहले मैं पूजने के लिए उतार लूँगी थोड़े से पूड़े और कचौरी, और उसके बाद में फिर खाने के लिए बाद में उतारेंगे पूजा के बाद। तो क्योंकि ये पूजा जो है ये दिन छिपने से पहले होती है, तो सबसे पहले जल्दी जल्दी हमने दिन छिपने से पहले ही ये बना दिए। तो मैं यहाँ पूड़े उतार रही थी, और पूड़ों की और कचौरी की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, जब मैंने होई अष्टमी का व्रत किया था उसमें भी हमारे यहाँ यही बनते हैं। तो ये गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको पूड़ों को सेक लेंगे। तो यहाँ मम्मी ले आई थी दूध, और वो दूसरी गैस पे दूध भी रहा उन्होंने गर्म होने के लिए रख दिया। तो ये पूड़े हो गए थे मेरे लगभग तैयार, तो मैं इनको निकाल लूँगी एक बैच को, और उसके बाद में मैं कचौरी वगैरह बना लूँगी थोड़ी सी। हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से बन जाती है हमारी कचौरी। और अगर आलू अच्छे से बॉईल हो, पिट्टी अच्छी बनी हो ना, तो सारी कचौरियाँ फूलती भी हैं और बहुत टेस्टी भी लगती हैं। इसमें जो पिट्टी बनती है वो आप अपने अकॉर्डिंग कैसी भी बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं। तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से बनती है। और बहुत जल्दी बन जाती है, जब तक आपकी एक कचौरी सिकती है तब तक आपकी दूसरी कचौरी तैयार हो जाती है बिल के। तो बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है ये। तो यहाँ मैंने थाली लगा दी थी और इसमें रख दिए थे पूड़े और कचौरी, और इसमें मैं थोड़ी सी रख दूँगी हल्दी, क्योंकि यहाँ इससे पूजा भी करनी है। और इसी में थोड़े से खील बताशे रखेंगे और उसके बाद में करेंगे पूजा। तो यहाँ पे पापा और मेरा बेटा और उसके पापा, देखिए तीनों जनरेशन यहाँ पे बैठी हुई हैं और पूजा कर रही हैं।
तो यहाँ पापा पूज रहे थे, क्योंकि पापा ही पूजते हैं हमेशा, और हम सब लोग वहाँ बैठे रहते हैं। और यहाँ इसके बगल में देखिए गन्ना, रई और ये सब सामान रखा जाता है पूजने के टाइम पे। तो ये पापा ने पूज दिया, और उसके बाद में मेरे बेटे को, मेरा बेटा बोला मैं भी पूजूंगा। तो उसको हम उसके पापा सिखा रहे थे कि अब क्या करना है क्या करना है। तो उसको बताया कि ऐसे खील उठाओ वहाँ से और इनके मुंह में इनको खिलाओ, तो वो वही सब कर रहा था। तो हमारी गोवर्धन ऐसे मनी, आपकी कैसे मनी आप ज़रूर बताइएगा। और आप सबको गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।